दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 3 दिनों से धरना प्रदर्शन करते हुए पहलवान हैं, और इसी में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए 3-time गोल्ड मेडलिस्ट बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। तो हरदीप जी, आप कैसे समर्थन देने आए हैं और क्या लगता है आपको? समर्थन क्या जी, ये तो सब हमारे साथी हैं, और जो हमारे साथियों के साथ गलत हो रहा है तो हम उनके साथ हैं। पर जो सरकारें हैं जिनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, वो कहते हैं कि ये बेबुनियादी हैं, उसको आप किस तरीके से? नहीं नहीं, बुनियादी एक बताओ, यौन उत्पीड़न का मामला कोई छोटी चीज़ है क्या? कोई अपने आप लगा ले आ गया इस देश में? बहुत बड़ी बात है। लड़कियां हैं जो इतनी बड़ी प्लेयर हैं, तो वो अपने आप ऐसे बोल दिया मेरे साथ ऐसे हो रहा है। जुम्मेवार रेसलर हैं ललेश, इतने बड़े अर्जुन अवार्डी हैं और सब मिले हुए हैं, और वो बोल रहे यौन उत्पीड़न हो रहा है और गलत हो रहा है, वो झूठ तो नहीं बोल रहे, उसमें कुछ कुछ सच्चाई है। अरे अगर CBI जाँच हो जाए उसमें क्या दिक्कत है? दोनों साइड CBI जाँच हो जानी चाहिए। वहीं पर जो सरकारें हैं वो कहती हैं नारी सशक्तिकरण के लिए हमने इतना सब कुछ करा है, तो वही सरकारें ऐसा नहीं कर सकती, इनमें से एक का बयान भी। देखो, सरकार कोई एक आदमी थोड़ा चला रहा है, एक आदमी तो जिम्मेवारी ले ले, पूरे देश की जिम्मेवारी एक सरकार थोड़ी ले सकती है। पता नहीं सरकार के साथ तो कितने आदमी जुड़े हुए हैं, ये नहीं हो सकता। पता नहीं कितने कितने प्रकार के आदमी मिलते हैं, कौन किस प्रकार का आदमी है, या थोड़ा भाई सरकार के साथ मत जुड़ गया तो सारा मैं सरकार का हो गया। कुछ अपने व्यवहार भी होते हैं, अपने अपने होते हैं। अगर यहाँ पर आपका भी जो धरना है वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, अगर सरकार इस पर गौर नहीं करती तो उसके बाद आपके अगले कदम क्या हो? उससे अगले तो सुप्रीम कोर्ट है, हम कानून का साथ लेंगे। पहलवान जो है वो रोड पे बैठा हुआ है, सर्दी का समय है, पर घी खा रखा है, गर्मी हो जाती है शरीर में, पर आपको लगता है कि आपको उग्र भी हो सकते हैं यहाँ पे? नहीं जी, उपद्रवी पहलवान कोई भी स्पोर्ट्समैन उपद्रवी नहीं हो सकता। हमारे पास तो यार घर जाने का भी टाइम नहीं होता। हम जो अच्छे रेसलर हैं, हम बहुत दुर्भाग्य की बात है, यहाँ पे बैठे हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, नए नए बच्चे हैं, यहाँ भविष्य है, बहुत सारे बच्चे हैं, वो तो हम मना करते हैं भाई तुम मत आओ, अभी तो सीनियर पहलवान आए हुए हैं। और जैसे कि अभी आपने देखा, ये थे हमारे साथ 3-time गोल्ड मेडलिस्ट हरदीप जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और खिलाड़ियों के साथ समर्थन में रहेंगे। ऐसी अन्य खबरों के लिए बने रहे खबर टुडे न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन श्रुति के साथ मैं अभिषेक, खबर टुडे न्यूज दिल्ली।